अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैर खरीत से होंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये आयरन वाला गोल्ड है, लोया मिक्स है इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही वो भी पुरानी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया। ये मैग्नेट है, देखें ये मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा क्योंकि इसमें लोहा मिक्स है और अच्छा खासा लोहा मिक्स है। ये फट भी रहा है चोट मारने से। तो अब मैं इसको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें से लोहा अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, सिर्फ गोल्ड रह जाएगा बग़ैर तेज़ाब के, यानी कि बग़ैर एसिड के, एक्यूरेसी के बग़ैर। ये लीड है, सिक्का जिसे कहते हैं। इसका वज़न है 3 ग्राम 870 मिलीग्राम गोल्ड का, और वेस्टेज भी कम से कम करनी है, ये नहीं है कि ज़ाया हो जाए। तो ठीक है, ये 3 ग्राम 850 मिलीग्राम इसका सही वेट है। और ये 10 ग्राम भी बहुत है, लेकिन ये 13 ग्राम 150 मिलीग्राम है, ये लीड है। ये अड्डा है राख और चूने से जो बनाया जाता है। अब इसमें ये रख के 2-4 कोयले रखने हैं और ऊपर से हवा देनी है। अच्छा, अगर लोहा ज़्यादा मिकदार में हो तो फिर शीशा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें इतना नहीं है तो 13 ग्राम इसके लिए बहुत है। शीशा सिक्का जो है वो बहुत है इसके लिए। अब ये 2 कोयले रख लेता हूँ। सिक्के का काम है कि लोहे को अपने अंदर हल नहीं करता, ऊपर मैल बना देता है, और गोल्ड जो है, सिल्वर, प्लाडियम वगैरह वो जो है ये अपने अंदर हल कर लेता है। जस्ट लोहा वगैरह जो है उसको ये अपने अंदर हल नहीं करता, उसकी ऊपर मैल बन जाती है। चले, मैं आपको ये भी अड्डा हो जाता है तो फिर दिखाता हूँ कि बिल्कुल इसकी वेस्टेज कितनी हुई है। ठीक है, अब ये इसको नाइट व्यू पे कर लेता हूँ मैं, फिर जब रवा निकलता है तो मैं आपको इसका वेट करके भी दिखाऊंगा और गोल्ड भी दिखाऊंगा कि किस शक्ल का आया है। आप वीडियो देखें।
अच्छा अड्डा इस तरीके से बनाना होता है कि थोड़ा सा डूंगा हो, बिल्कुल प्लेट की तरह चौड़ा नहीं हो क्योंकि फिर रवे बिखरेंगे, और थोड़ा सा डूंगा टाइप का हो। अब ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जब इसमें से सीसा ख़त्म हो जाएगा तो ये खुद बहुत इतनी हीट नहीं है कि ये सोना गल सके, तो सिर्फ शीशे की वजह से, सिक्का जो इसमें डाला उसकी वजह से ये चल रहा है। जैसे ही वो लीड इसमें से ख़त्म होगा ये खुद बहुत जम जाएगा। देख रहे हैं अब इसमें से लोहा जो है वो किनारे के साथ चिपक गया, बहुत हल्की मिकदार में ही था। तो अभी इसको निकाल के मैं आपको इसको वेट करके भी दिखाता हूँ कि कितना वज़न कम हुआ है। इसका पहले वेट था 3 ग्राम 850 मिलीग्राम, और अब इसका फिर जब रवा निकलेगा तो देखना कितना कम हुआ है। तो सिर्फ काम नहीं करना होता है, चीज़ों को बचाना भी होता है कि इसमें वेस्टेज कितनी हो रही है। अगर आप इसको किसी और तरीके से करते हैं तो उसमें वेस्ट होने का भी ख़तरा होता है। अब ये बिल्कुल इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इसमें कम से कम वेस्ट होगी। आप देख रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर गोल्ड हो गए। इसको ठंडा करके तोड़ के निकाल लेता हूँ रवा। और फिर इसको वेट करके इसका चेक करते हैं कि कितना कम हुआ है। थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है तो इसको मैं अच्छी तरह पीट के साफ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा डूंगा अड्डा था तो बिल्कुल एक ही रवा है। अगर चपटा अड्डा होता है तो रवे फिर बिखरने का खतरा होता है, इसलिए थोड़ा सा डूंगा होना चाहिए कि सारा सिमट के एक जगह पे ही रुका रहे। देखिए अब इसमें वो वाइट पन ख़त्म हो गया जो पहले लोहे का आ रहा था, और अब इसको मैग्नेट लगा के भी चेक करती हैं और वेट भी कर लेती हैं। ये पहले इसकी शक्ल थी, अब ये देखें अब वो वाइटपन ख़त्म हो गया। अब इसको मैग्नेट लगा के चेक करते हैं और वेट करती हैं। ये 3 ग्राम 490 मिलीग्राम इसका वेट है, 3500, तो ये 350 मिलीग्राम सिर्फ कम हुआ है, बहुत कम वेस्टेज है ये। अब इसको मैग्नेट भी नहीं लग रहा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।